अपना परिचय बताएं। मैं सुनील सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। प्रदेश प्रवक्ता महोदय, ये आप कैसी रैली का आयोजन हो रहा है आपके पार्टी का? देखिए, 27 अक्टूबर को हमारी पार्टी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है और उसी को लेकर यहाँ महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं और 27 अक्टूबर को ही भाजपा के ताबूत में अंतिम कील ठोकी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो जाएगी। जी अच्छा प्रवक्ता जी, ये आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी, उनके बारे में भाजपा के विधायक हैं सुरेंद्रनाथ सिंह, काफ़ी अमर्यादित टिप्पणी किए हैं, आपके नेताजी को भैंसा कहा गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सुरेंद्र सिंह विधायक, उनके बारे में क्या कहा जाए, बहुत पहले ही हमने उनको बताया था कि बैरिया विधायक गुणाऊ नाच का जोकर, और गुणाऊ नाच का जोकर सबसे पहले अपने पूर्वजों को गाली देकर ही अपने कला का प्रदर्शन करता है और सुरेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति, ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्तित्व के ऊपर अगर टीका टिप्पणी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी ओछी मानसिकता है जो कि दलित, पिछड़े और वंचित समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो आदमी जिसके जिधर जाने पे उधर सरकार चली जा रही है, उसके बारे में सुरेंद्र सिंह विधायक जैसा व्यक्ति अगर टिप्पणी करता है तो ये बहुत ही निंदनीय है। और सुरेंद्र सिंह पहले अपने घिरे बांह में झाँके, आज दारू का धंधा, आज बालू का धंधा, आज कोटेदारों से असूली का धंधा सबसे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो सुरेंद्र सिंह बरिया का विधायक कर रहा है। रही बात भैंसा की उपाधि हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देने की, तो भैंसा पे कौन सवार होता है? भैंसा पे जमराज सवार होते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी जमराज के रूप में 27 अक्टूबर को हलधरपुर के मैदान में आएंगे और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की मतिया मेज कर देंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद।